अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट फौजिया ब्लॉग। दुआ में याद रखिएगा, हम भी आप लोगों को दुआ में याद रखते हैं। लेट वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम लोग बहुत बिजी थे पाकिस्तान में, और जो ईद गुजरी है सबको ईद मुबारक, और सब ने बहुत इंजॉय किया होगा और मज़े मज़े के शामी खाए होंगे, कबाब खाए होंगे। तो आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, अपने गाँव की सैर भी करवा रहे हैं और अपने गाँव के हरे भरे खेत दिखा रहे हैं आपको। ये कपास है बहुत अच्छी सी, ये देखें। और यहाँ पे हमें तो खैर नहीं ये चुनना आती, कपास कैसे चुनी जाती है, तो आप लोगों को हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि गाँव की लाइफ जो है वो कैसी होती है। बहुत सीधी सादी लाइफ होती है, और हम भी गाँव के ही लोग हैं, बड़े कपाली से और रिवायती से, और हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कैसे आपको और भी नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आप वो वाली साइड भी दिखा देते हैं। बच्चे देखें कैसे खेल रहे हैं, जूम कर दो थोड़ा सा। और ये देखें, ये सीधे साधे बच्चे बैठे हुए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या करें दिव्यो, क्या कर रहे हो, पतंग बना रहे हो। अच्छा जी, ये छोटी सी बच्ची भी बैठी है, बड़ी हैरान कुन मुझे देख रही है और कहाँ जाते हो, यहाँ पे स्कूल है या यहाँ से बाहर जाते हो? उधर उधर देखो कैमरे की तरफ। और आदिल जो है ना पढ़ रहा है, और आदिल इसको क्या बोलते हैं, इस चीज को, इसको जंतर बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं इसको, नहीं पता, याद करो क्या बोलते हैं। अच्छा अच्छा, झिंझो, अच्छा आते हैं, और उसके बाद जो है ना काम वाले कपड़े और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। ये देखे, और हमारे चाचू को थोड़ी क्या बेटी उर्दू भी आती है, हाँ थोड़ी बहुत उर्दू भी आती है। अच्छा ठीक है ठीक है, तेरे क्या हाल है, ठीक है, देखो। और ऐसा बस व्लॉग बड़े ने क्यों व्लॉग दे बाद बाल खेद दे बंदे को देख, शाम को टीवी इतना बेटा देखो, हां टीवी तो देखो टीवी तो देखो चाचा, ठीक है बा, इंटरव्यू है, हां इंटरव्यू है चाचा, व्लॉग है, ए तेरा टेंशन लग गई, सारा अपना चैनल लग सी, सारा अपना टेंशन लग सी, ठीक है बा, मैं दऊं श्याम वाला बल्ला ना, अच्छा तो जुल तो जुलो, 4 मिनट के हो गए, नहीं 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 8 मिनट की बनानी है, हां जी। ये देखें जी, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का, ये देखें जा रहे हैं घर की तरफ, चाचू के घर पहुँच गए हैं, चाचू लोगों ने हमारा खाना बनाया हुआ है, और अभी हम लोग जा रहे हैं उनके घरों की तरफ, चलें उनके घर की तरफ चलते हैं। तो आज हम आए हुए अपने फील्ड साइड पे, अपनी ज़मीनों पे, अपने घर पे, जहाँ हमारी फैमिली रहती है, हमारे चाचा रहते हैं, हमारे कज़न रहते हैं। ये देखें यहाँ पे बकरियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, और ये दरख्त देखें, इसको बोलते हैं किक्कर का दरख्त। इससे क्या होता है, एक तो साया भी होता है, इसके अलावा इससे ये होता है कि लोग इसे अपना फर्नीचर भी बनाते हैं, जो शीशम होता है ना दरख्त, उसके बाद किक्कर की लकड़ी आती है। मैं यहाँ पे कहने लगी थी लड़की, तो आपने हंसना था, लिहाजा स्टे ट्यून, थैंक यू, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद। घर पहुँच चुके हैं, ये देखें आपको अपना घर दिखा रहे हैं, ये देखें गाँव का हमारा घर है, ये देखें यहाँ पे कबूतर भी हैं, और ये देखें बकरियाँ भी हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है।
पीछे रानी भी टहल रही है और हमें भी बहुत ज़्यादा हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। हम घर में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हमारा खाना तैयार है, हम अभी खाना चटकेंगे मज़े मज़े से। नेक्स्ट व्लॉग में हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा, हम लोग भी आप लोगों को दुआ में याद रखते हैं और अल्लाह हाफिज़। बाकी तो मैं काफी है, चले।